जिंदाबाद, 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एम्बुलेंस चोर गद्दी छोर, एम्बुलेंस गद्दी छोर, एम्बुलेंस चोर गद्दी छोर। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर दर्जनों जाप कार्यकर्ता ने आज बेगूसराय के ITI मैदान में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि एम्बुलेंस चोर गद्दी छोड़ के भी नारे लगाए। इस मौके पर जाप के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मुकेश पासवान, जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू सहित दर्जनों जाप कार्यकर्ताओं ने झोली पहनकर नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। वहीं महिलाओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झाड़ू डंडे से खूब पिटाई की। साथ ही लोगों के मसीहा पप्पू यादव को अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाकर इलाज की भी बात कही है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के और पूरे भारत के गरीबों के मसीहा माननीय राजेश रंजन जी और पप्पू यादव जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो भी फर्जी केस में। हम लोग जो आज प्रोग्राम बेगूसराय जिला में कर रहे हैं, पप्पू यादव की रिहाई हो, किसी भी तरह उनको रिहाई किया जा, गिरफ्तारी हुआ है उनको रिहाई किया जाए, और एम्बुलेंस चोर जो राजीव प्रताप रूढ़ी है उसे गिरफ्तार किया जाए, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस्तीफा देनी चाहिए और उसे इस्तीफा दिलाया जाए। इसी के कड़ी में हम लोग आज प्रोग्राम किए हैं और हम चाहते हैं अगर जब तक रिहा नहीं होती है तो पप्पू यादव जी को हॉस्पिटल में जो सुविधा होनी चाहिए उन्हें अच्छी तरह से सुविधा दे ताकि उनकी जान बची रही। नहीं तो सत्ता पार्टी तो चाह रही है कि पप्पू यादव जी को किसी न किसी तरह जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव को इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था हो और उनकी रिहाई हो, क्योंकि आज प्रत्येक दिन अगर 10 से 20 व्यक्ति मरते हैं, कोई भी गरीब गुरबा, तो वो साजिश के तहत, क्योंकि उनकी व्यवस्था नहीं है। कोरोना जैसी महामारी में जो अभी लापरवाही कर रही है बिहार सरकार, हम चाहते हैं उसमें सुधार हो जितना जल्दी। ऑक्सीजन की कमी, कौन कौन इंजेक्शन सब चीज़ की कमी है, व्यवस्था अच्छी नहीं है हॉस्पिटल की। इसलिए कोरोना जैसी महामारी में अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे सरकार, नहीं तो अगर पप्पू यादव जी को रिहा नहीं किया जा रहा है तो हम लोग इससे भी कड़ी आंदोलन, हम लोग तब लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए रोड पर उतरेंगे। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि हमारे पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए, क्योंकि उनके वजह से कितनी गरीब व्यक्ति रोड पे आ चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि पप्पू यादव जी को रिहा हो ताकि गरीब को अच्छी से अच्छी सुविधा पप्पू यादव जी के द्वारा मिलेगा। क्या नाम है? मुकेश कुमार पासवान, SC/ST जिला अध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी बेगूसराय। बिहार में जो नीतीश की तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार के कारण ही आज पप्पू यादव जी जेल में है। पप्पू यादव जी उस कारण से जेल में है कि जिसका कोई भी केस का डिटेल्स ही नहीं आ पाया है। जो भी पहले के केस था, 32 साल पुरानी मामला है, वो मामला है कि वो मामला पूरे तरह से ख़त्म हो चुका है। सरकार जो है नीतीश सरकार जो है पप्पू यादव की जी के सेवा भाव से घबरा करके कि कहीं ये हमको परेशान ना करे, उनके सेवा भाव को दबाने के लिए नीतीश सरकार ने अपने कुचक्र रच करके पप्पू यादव जी को अपने जाल में फंसा करके ज़बरदस्ती जेल में ठूसा गया है। और उनकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है लगातार गिर रही है, और पप्पू यादव जी को जेल में ही रह करके, हॉस्पिटल में ही रह करके सरकार मरवाना चाहती है। हम मांग करते हैं कि जब तक हमारे सांसद साहब को नहीं छोड़ा जाता है, बेशर्त उनको बरी नहीं किया जाता है, तब तक जितने भी बिहार में जन आंदोलन कार्यकर्ता हैं, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो रोड पर इसी तरह निकलते रहेंगे जब तक हमारे सांसद साहब को रिहा नहीं करते हैं। क्या नाम है? ओम प्रकाश साहू, जिला उपाध्यक्ष बेगूसराय।